खगड़िया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जिला पार्षद के बेटे से हुई छिनतई मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी से लूट की रकम के साथ एक बाइक भी बरामद किया गया है, जबकि घटना में शामिल दो लोग अभी फरार चल रहे हैं। सदर SDPO ने बताया कि इस घटना के पीछे कोढ़ा झटपमार ग्रोह का हाथ था। आपको बता दें कि पिछले महीने 18 मार्च को अपराधियों ने कटिहार के कढ़ा थाना इलाके से जिला पार्षद के बेटे से 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। सितारा मेमोरियल स्कूल के पास 20 मार्च को संजीव कुमार हैं, गिरीश यादव के लड़के, उनके मोटरसाइकिल से 2 लाख रुपया छीन के दो अपराधी भागे थे। CCTV फुटेज के आधार पर घटना में शामिल दो अभियुक्तों शिवम और रमेश का सत्यापन हुआ। इन दोनों इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खगड़िया से राजीव जी जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। राजीव जी, ये कब का मामला है जो पुलिस अभी गिरफ्तार की है? ये जो लूटपाट हुई, लूटपाट की घटना कब की है? राजीव जी, कि ये जो 18 तारीख की घटना है, 18 मार्च की, उस समय जो है चित्रूपना थाना के नगर थाना के अंतर्गत जो है एक जो है 2 लाख रुपये और बाइक के द्वारा जो है दो अपराधी जो मिल करके ये रकम लूटी गई थी, उसी में जो है पुलिस के द्वारा कार्रवाई छापामारी करके और ट्रेस करके जो है इस कटिहार जिले से जो है इस 99,000 रुपया और जो है एक बाइक जो है बरामद किया है। लेकिन जो है जो अपराधी थे वो भागने में जो है सफल हुए, लेकिन वो नहीं पकड़ा गया है। जी, ज्यादा जानकारी देने के लिए राजीव जी धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जो पूरा मामला है खगड़िया के है।